जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली मेरी जॉब नहीं है, दिल्ली में मेरा अपना बिजनेस है। एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ और 7 से 8 साल हो गए एक्चुअली मुझे अपने बिजनेस को रन करते हुए। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिजनेस राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि मैंने अपने गाँव को बहुत नज़दीकी से देखा है और अपने गाँव में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी देखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो परेशानियाँ हैं, आज तक जो भी नेता हमारे गांव में बने, चाहे वो विधान के पद पे हो, चाहे वो जिला पंचायत के पद पे हो, चाहे किसी और पद पे हो, तो इन बीचों में जितने भी नेताएं आए और वो आज तक बड़ी बड़ी बातें करके गए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने देखा है मेरी पंचायत में, मेरे समाज में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ। तो इन परेशानियों को दूर करना और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए ही कहीं ना कहीं मैंने कदम बढ़ाए हुआ है। तो मैं तो पर्टिकुलर किसी समस्या के बारे में मैं एक बार बात नहीं करूँगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो हमारा मेन जो है वो पानी का निकास है। हमारा मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 30-32 साल से, मेरी एज भी होगी, तो तब से मैं देख पा रहा हूँ कि 30-32 साल से पानी का जो निकास है वो प्रॉपर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा एक इशू है हमारे गाँव में। और दूसरी परेशानी जो है वो है रास्तों की, अगर रास्ते प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए। मेरे पास कुछ वीडियोज़ बनी हुए हैं, वो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़, लोग कहते हैं कि समाज में सुधार क्यों नहीं हो पाता और जनरेशन में परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न है हमारी चेंजिंग जो है हमारी सोसाइटी में, जितने भी हमारे अपने युवा जो साथी हैं, युवा में जब तक चेंजिंग नहीं आ पाएगा। युवा में चेंजिंग भी तब आएगा जब हमारे युवा एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे एक सही समय पर और सही जगह पर परिवर्तन होगा तब जाके। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। बिकॉज मुझे 1 साल हो गई इसमें, काफ़ी मेहनत मैंने की है और 1 साल से रेगुलरली कमिटमेंट मैं करते हुए आ रहा हूँ अपने युवाओं से। और मैंने कमिटी ये की हुई है कि एक तो स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी रुचि खुद भी रखता हूँ और युवाओं के लिए भी करना चाहता हूँ, जैसे कि बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, इस तरीके की काफ़ी जो सुविधाएं हैं ये देना चाहता हूँ। जिम सेंटर के लिए मैंने इनको बोला है, युवाओं को कि जिम सेंटर मैं ओपन करके दूंगा, तो वो भी फैसिलिटीज़ मैं इनको प्रोवाइड करूँगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैं इनको करूँगा। जब हमारे युवा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर जुड़ते हैं तो परिवर्तन आता है। तो इसके लिए हम अपने स्कूल पर, जो हमारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई है, तो इस स्कूल पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डे बाई डे फोकस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं हमारे समाज के, वो सारे हमारे स्कूल में ही जाए। इवन मेरी जो बच्ची है छोटी, मैं उनको भी वहाँ पे अपने स्कूल में ही भेजूंगा कि जब तक बच्चे एजुकेशन से नहीं जुड़ेंगे और एजुकेशन से जुड़ के आगे भविष्य को नहीं बनाएंगे और एक्टिविटीज नहीं करेंगे। और डेली बेसिस पे वैसे भी चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, इवन मैं सारे लोगों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे जाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।